हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है क्लास 5 के बच्चों के लिए 151 नंबर की 22 तारीख की वर्कशीट। बच्चे यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे। मेट्रो की सवारी। अंशु अपने दादा दादी को अखबार पढ़कर सुना रही थी। उसने मेट्रो में यात्रा करने के बारे में एक खबर पढ़ी कि कोरोना महामारी के चलते मेट्रो में यात्रा करते हुए मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना और चिन्हित स्थान पर ही बैठना या खड़े होना होगा। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो मेट्रो में यात्रा न करें। हमें हमेशा कोविड के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। दादाजी ने कहा, अंशु मैं तुमसे मेट्रो यात्रा से संबंधित कुछ सवाल पूछती हूँ, देखते हैं कि तुम इन्हें कौन से तरीके से हल करती हो। आइए आप भी अंशु के साथ इन प्रश्नों को हल करें। पहला, यदि एक कोच में 20 लोग यात्रा करें और लगभग 160 लोग एक बार में यात्रा करते हैं तो कितने डिब्बों वाली मेट्रो चलानी होगी? तो बच्चों, 160 लोग एक दिन में जा रहे हैं और एक डब्बे में 20 लोग जाते हैं, एक डब्बे में 20, तो 160 के लिए कितने डब्बों की जरूरत पड़ेगी? 20 को अगर आप 8, 8, 28 जा 160, ठीक है, ये हो गया 160, तो कितने डिब्बों वाली चलानी पड़ेगी? 8 डिब्बों वाली। तो कितने आप लिखेंगे? 8 डिब्बों वाली मेट्रो चलानी होगी। और आप इसे चेक भी कर सकते हैं कैसे आपने सही किया या नहीं। 8 से 20 को आपने यहाँ 8 और 20 का गुना कराया तो कितना आया? 160। ये देखो 160, तो इसका मतलब आपने सही किया है। अगला, यदि एक दिन में नीली लाइन ब्लू लाइन मेट्रो में 4352 यात्रियों ने यात्रा की है, मतलब 4352 क्या हो गया आपका यहाँ पे 52, तो ये हो गया आपका 4352 यात्रियों ने, 4352 यात्रियों ने यात्रा की है, किसमें? ब्लू लाइन में। इसी तरह येलो लाइन पीली लाइन में 3596 यात्रियों ने यात्रा की है और गुलाबी लाइन पिंक लाइन में भी 5986 यात्रियों ने यात्रा की है। तो कुल कितने यात्रियों ने इन तीनों लाइनों में मेट्रो पर यात्रा की है? तो तीनों का जब आप कुल मिला के करेंगे, जोड़ देंगे, तो कुल का मतलब है जोड़ना। जैसे ही आप इसे जोड़ देते हैं आपको पता चल जाएगा कुल कितने यात्रियों ने यात्रा की है, प्लस का साइन 3596, ठीक है। आपने 4352 प्लस 3596 प्लस 5986, मैंने ये पहले लिख दिया है और इसे बाद में, तो कोई बात नहीं है, एक ही बात है, इसे पहले लिखो या इसे, तीनों का जोड़ आपने यहाँ पे करना है। तो 6, 6, 12, ठीक है, 6, 2, 12, 13, 14, 4 एक कैरी बनेगा, 9 और 10, फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23, फिर 2 कैरी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, फिर 1, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, तो कुल मिला के आपके 13,934 यात्रियों ने यात्रा की है, ठीक है, 13,934 यात्रियों ने, आपने यहाँ लिखेंगे, तो कुल कितने की जगह आप ये उत्तर लिखेंगे, यात्रियों ने इन तीनों लाइनों की मेट्रो पर यात्रा की है। अगला सवाल है, यदि गुलाबी लाइन पिंक लाइन पर 6,528 यात्रियों ने यात्रा की है, जिनमें से 4,699 यात्री पुरुष व बच्चे थे, तो महिला यात्रियों की संख्या कितनी होगी? टोटल है पूरे बूढ़े बच्चे सब मिलाकर इतने, इनमें से 4,699 आपके पुरुष व बच्चे हैं, तो महिला कितनी होंगी? जो बच गई वो महिला है, क्यों? क्योंकि पुरुष, बच्चे और महिला क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं मेट्रो में, जिनमें से पुरुष और बच्चे हैं 4,699 और कुल मिला के टोटल हैं 6,528,
तो इनमें से जैसे ही आप इसे घटा देते हैं, आपको पता चल जाएगा कितनी महिलाएं यात्रा कर रही हैं मेट्रो में। तो आपका उत्तर जैसे ही आप इसको घटाएंगे, आपका आएगा यहाँ पे 1829। तो इतने क्या हैं महिलाएं जो यात्रा कर रही हैं मेट्रो में, तो आप लिखेंगे 1829 महिला यात्रियों की संख्या होगी। अगला, यदि एक दिन 256 यात्री राजीव चौक से कुतुब मीनार तक जाते हैं, ठीक है, 256 यात्री जा रहे हैं राजीव चौक से कुतुब मीनार, और राजीव चौक से कुतुब मीनार तक का किराया है ₹40, तो मेट्रो से 256 यात्रियों के कुल कितना किराया प्राप्त होगा? एक व्यक्ति का किराया है ₹40, तो 256 यात्री का कितना होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 256 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और हर व्यक्ति ₹40 दे रहा है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा 4 6 24, 2 कैरी, 4 5 20, 22, फिर से 2 कैरी, 4 2 8, 9 10, और जो ये जीरो है इसे इसके सामने लिख दिया। तो कितने रुपए, कितना किराया, कुल कितना किराया प्राप्त होगा? कुल किराया प्राप्त होगा 10,240। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रोहन समयपुर बादली से अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ कुतुब मीनार जा रहा है। कुतुब मीनार से वे लोग लाल किला जाएंगे, उसके बाद वे मेट्रो से ही समयपुर बादली वापस आएंगे। क्या आप बता सकते हो कि 8 लोगों को समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने, फिर कुतुब मीनार से लाल किला जाने तक, लाल किला से वापस घर पहुंचने में कुल कितना किराया खर्च होगा, करना होगा? तो अब देखिए यहाँ पे किराया सूची दी हुई है, यहाँ ध्यान से देखेंगे आप। समयपुर बादली से कुतुब मीनार का है ₹60, कुतुब मीनार से लाल किला का 40, लाल किला से समयपुर बादली का है ₹40। अब एक व्यक्ति का 60 है, और कितने व्यक्ति ट्रैवल कर रहे हैं, 8 सदस्य घर के। तो आपने क्या करना है, समयपुर बादली से कुतुब मीनार इक्वल टू 60 × 8, क्योंकि एक का 60 है तो 8 का कितना होगा, 8 × 60 कितना आएगा, 8 0 0 0, 8 6 48, तो ये 480 आया। यहां से यहां तक इन लोगों ने ₹480 दिए। फिर कुतुब मीनार से लाल किला ₹40 है, 8 लोग गए थे, तो 8 से इसका गुना कराएंगे हम, अब कितना आएगा, 8 0 0 0, 8 4 32, ₹320 दिया इन्होंने। अब इसी तरीके से लाल किला से समयपुर बादली ₹40 है और 8 लोग गए घर के, तो कितना दिया होगा, फिर से 320, इतने रुपए दिए होंगे। अब आपसे पूछा है कि कुल मिला के कितना किराया खर्च हुआ होगा, कुल मिला के मतलब इन तीनों को जोड़ना है। अब आपने आपने किसे जोड़ना है, 480, ओहो एक सेकेंड, 480, 320 और 320 को जोड़ेंगे, उसके बाद पहले आप पूरा यहीं से सेम लिखेंगे ऐसे, समयपुर बादली से कुतुब मीनार इक्वल टू 60 × 8, 480, कुतुब मीनार से लाल किला 40 × 8, 320, लाल किला से समयपुर बादली इक्वल टू 40 × 8, 320, फिर कुल आपने कुल खर्चा लिखना है इनका, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 0 का 0, 8 9 10 11 12, 1 3 3 6 6 4 10 और 1 11, और इसके आगे रुपीस लिखेंगे, तो कितने रुपए खर्च हो गए आप उनके टोटल मिला के, उनके 1,120 रुपए खर्च हुए। अब यहाँ पे हो गई वर्कशीट पूरी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो, और अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 78 और 79 भी कीजिए। और अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से मेट्रो में यात्रा करते हुए ध्यान रखने योग्य बातों पर बातचीत करें, जैसे दरवाजे से हटकर खड़े होना, पीली लाइन से दूर खड़े होना, मेट्रो में दिए गए निर्देशों को सुनना व उनका पालन करना आदि।
और कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर पहने। बाय बच्चों।